मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में प्रशासनिक अमले ने हाईवे का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से हाईवे मार्ग पर दुर्घटनाएं बढ़ गई थी, जिसे लेकर नगरवासियों में आक्रोश था। इसी को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, एसपी पंकज श्रीवास्तव, निगमायुक्त पवन कुमार मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि हाईवे पर लगे होर्डिंग्स हटाए जाए, रोड से सटे अतिक्रमण हटाए जाए, रोड को ठीक कर डामरीकरण किया जाए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 12 तारीख तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बन रहे हैं, ये पिछले दिनों आपने देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कई देश हुए हैं, और उसमें जो बात हुई थी अधिकारी से वो ये था कि नगर निगम और साथ में बॉडी नेशनल हाईवे प्लस विद्युत मंडल, ये सारे लोगों को लेकर के और ये देखा जाए कौन कौन से ब्लैक स्पॉट आज हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, कहाँ टर्निंग है, कहाँ डार्क है, कहाँ पर अपनी स्पीड लिमिट करनी है, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाने हैं, किन किन जगहों पर अपने को यातायात जागरूकता के होर्डिंग्स लगानी है, कहाँ स्पीड लिमिट का होर्डिंग लगाना है और कहाँ हम लोग लेफ्ट टर्न क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की हैं। आप लोग पूरे दौरे पर साथ में थे तो आपने देखा कई चीज़ें अपन लोगों ने आज निर्णय। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।